दोस्तों 31 मार्च शुक्रवार के लिए बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा मूवमेंट दोपहर के बाद दिया था और देखिए 3 बजे वाले कैंडल के बाद एक 0-0 कॉल लिया था, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। अब बात करते हैं कि 31 मार्च को निफ्टी क्या कर सकता है, तो हम इसका एक CPR का लेवल लगा लेते हैं 31 मार्च के लिए, देखते हैं इसके लेवल कहाँ तक जाते हैं। CPR का लेवल लेके तो आज जहाँ पे क्लोज किया है 17,070 तक लेवल है, और 17,030 से 17,070 तक का लेवल, ये जो CPR है। अगर CPR के अंदर या यहाँ पर ऊपर ओपन होके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो पहला टारगेट तो DI है 17,115, ये पहला टारगेट है। अगर ये टारगेट निकाल देता है तो अपने पास अच्छे खासे टारगेट है, 17,180, 17,200 और 240 तक के टारगेट बाइंग की तरफ है। यानी निफ्टी में बहुत अच्छे चांसेस बने हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो अच्छे खासे चांस ऊपर के लग रहे हैं। अगर सेलिंग की बात करें तो 17,030 का लेवल नीचे की तरफ निकालता है मार्केट, तो ज़्यादा बड़े चांसेस नहीं है। 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 17,980 ये दो है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन का बहुत अच्छा सपोर्ट ले रखा है मार्केट ने, तो ज़्यादा बड़े चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, यहाँ पे दोपहर बाद में एक अच्छा ट्रेड मिला और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेवल की बात करें 31 मार्च के लिए, तो यहाँ पे CPR छोटा ही है। अगर CPR के अंदर या ऊपर ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि लगभग लगभग चांस है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, तो पहला टारगेट तो 40,000 का है जहाँ पे आज क्लोज किया है, लगभग 40,008 या 10 के लगभग। अगर ये लेवल निकाल देता है 40,100 और 40,150, ये दो बड़े टारगेट है यहाँ पर। अब सेलिंग की बात करें तो 39,840 का लेवल है, अगर ये नीचे की तरफ निकाल देता है तो 39,750 का पहला टारगेट, और जो आज का डे लगाया था 39,700 यहाँ तक का दूसरा टारगेट है। ये इसके नीचे अच्छे खासे सपोर्ट होने के कारण मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश भी करता है तो 39,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की है मार्केट ने, तो मार्केट नीचे आने के कमी चांस है। ऊपर या गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेता है तो ये CPR तक का लेवल हमें मिल सकता है सेलिंग की तरफ, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि हमारे गैप अप या ऊपर ही जाएगा मार्केट।